झेरिया धोबी समाज संभाग बिलासपुर के निर्देश में डबरा परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत कांसा में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। समाज की ओर से निर्विरोध कमल किशोर बरेठ अध्यक्ष चुने गए। छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी समाज संभाग बिलासपुर डबरा परिक्षेत्र का चुनाव रविवार को डबरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांसा में अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। धोबी समाज के लोगों ने सामाजिक एकता दिखाते हुए डबरा परिक्षेत्र से कमल किशोर बरेठ के विरुद्ध किसी ने नामांकन नहीं भरा, वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जिससे क्षेत्र में धोबी समाज को एकता देखी गई और समाज के चहुमुखी विकास के लिए समर्थन देते हुए डबरा परिक्षेत्र के सामाजिक पंचों ने भी समर्थन दिया। पूर्व के नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष नीलमणि बरेठ यथावत अपने पद पर रहेंगे और डबरा परिक्षेत्र के निर्विरोध अध्यक्ष कमल किशोर बरेठ चुने गए। किसी भी समाज के लिए एक अपने आप में बड़ी बात है और इतने बड़े धोबी समाज में एकता की मिसाल पेश की गई है। झरिया धोबी समाज समिति संभाग बिलासपुर के निर्देश में आज डबरा परिक्षेत्र में अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, जिसमें डबरा परिक्षेत्र से कमल किशोर बरेठ द्वारा निर्विरोध अध्यक्ष चुनाव जीता गया। छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी बरेठ समाज सेवा समिति बिलासपुर के अंतर्गत डबरा परिक्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक अध्यक्ष पद का चुनाव आज कांसा में संपन्न हुआ, जिसमें मैं 86 पंचों के बहुमत से निर्विरोध अध्यक्ष पद चुना गया। छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी बरेठ समाज सेवा समिति संभाग बिलासपुर के परिक्षेत्र डबरा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन संभागीय पदाधिकारी एवं अन्य विभिन्न परिक्षेत्र से आए परिक्षेत्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी के बीच में 5 पर्यवेक्षक एवं 2 चुनाव अधिकारी के बीच में इस डबरा परिक्षेत्र के पंचों की उपस्थिति में लगभग 86 पंचों ने इस चुनाव में उपस्थित होकर भाग लिया, जिस पर इस परिक्षेत्र के अध्यक्ष के लिए 3 नामांकन फार्म भरा गया, जिसमें 2 प्रत्याशियों के द्वारा अपना नाम वापस लिया गया, जिस पर चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक के द्वारा मात्र बचे 1 प्रत्याशी का नाम निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया, जिस पर कमल कृष्ण बरेठ के बरेठ को आज के कार्यक्रम में परिक्षेत्र डबरा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जांजगीर पामगढ़ से मनोहर कोसले की रिपोर्ट।